क्या मसला है? क्या हुआ सर? क्या मसला है? नहीं मसला को एक मिनट, क्या मसला कुछ भी नहीं सर, बॉडी है बोल रास्ते में डेथ हो गई थी। हाँ, आए सस्पेक्टेड में। हाँ, डॉक्टर ने बोला सस्पेक्टेड हो सकता है। हाँ, अपने यहाँ से डीसी वीसी सब क्लियर कर, टीएमसी का अप्रूवल दिया। हाँ, एक सेकंड सर, जरा रुका हूँ ना, मैं जरा बात कर लूँ इन लोग। हाँ, सर आप लोग प्लीज अंदर मत, आप लोग जरा बाहर रुके ना। ये बता रहे हैं कि बॉडी काफी अरसे से जो पड़ी हुई है, काफी देर से नहीं पड़ी हुई है, कब हुआ है? पड़ी हुई है 3 बजे के बाद से पड़ी हुई है, बराबर है। हाँ, 3 बजे के बाद से पड़ी हुई है, जो टीएमसी के अंदर अपने बोल चुके हैं सब लोगों को। हाँ, टीएमसी कब्रिस्तान में सब बाजू बोल चुके हैं, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, इसके लिए बॉडी यहाँ से नहीं जा रही है। उनके रिलेटिव से आप बात करना चाहते हैं? हाँ, तो करवा देता हूँ। वो कब से फोन कर रहे हैं एम्बुलेंस वाले को, कोई भी नहीं आ रहा है। अभी यहाँ के जो लोकल है ना भाई, ये भाई ने बोले कि हम लोग अरेंज करते हैं। नूरी नूरी बोल रहे हैं, नूरी ब्रदर्स ने जो एम्बुलेंस शुरू किया, 9 एम्बुलेंस है उनके पास में, उनके प्रोवाइड कर दो ना आप फोन कर। आप लोग आपके पास में इंतजाम, हम प्रोवाइड कर। अच्छा, कॉन्टेक्ट किया तो ये बॉडी आज चली जाएगी? हाँ, चली जाएगी, अब भी चली जाएगी। लोग जो है ना, ये खौफ में मुब्तिला है, सही है, और गमो गुस्सा ये जो है ना। नहीं, एक्चुअल में मैं ना, आप अभी आए हैं तो मैं आपको बोल भी दूँ एक चीज, ये जितने भी अपने हैं, हाँ, इनको सबको है ना गाइड करना बहुत जरूरी है, सबसे हाँ, पहली चीज। और दूसरी चीज मैं बताऊँ आपको, वो जो बॉडी है वो सस्पेक्टेड में है, जो टीएमसी को बोल चुके हैं, डेथ सर्टिफिकेट हमारे यहाँ से ऑलरेडी दी हुई है, 3 बजे से डेथ सर्टिफिकेट दे चुके हैं हम लोग। सस्पेक्टेड में उसको सैनिटाइज करके पीपीई किट में लपटाया हुआ है। कहाँ से कहाँ रहते हैं वो? पीपीई किट में, वो मुझे नहीं मालूम है सर। मैं एज अ बुरानी का मैनेजमेंट के पार्ट के हिसाब से आया हूँ, जो मैं जवाब देना, मुस्तफा नाम है मुझे, मुस्तफा संचावर, संचावर, जो मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, मुझे पूरी की पूरी है ना अंदर से मैं इन्फॉर्मेशन लेके जवाब दे रहा हूँ इस चीज के लिए। उसको पीपी किट में पूरा का पूरा लिया हुआ है, सस्पेक्टेड केस है, इट इज नॉट एन कोरोना वायरस। लेकिन वो बाहर पड़ी हुई नहीं, तो बाहर इसके लिए पड़ी हुई है क्योंकि रिलेटिव से परमिशन लिया, उन्होंने बोले कि एम्बुलेंस आ जाएगी, तो हमने उसको बाहर रखे, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट्स इतने आते हैं, फीवर पेशेंट्स भी आ जाते हैं कभी कभी, तो उनको डायग्नोस करना पड़ता है। हाँ, और डेथ देख के वो लोग ऑलरेडी हाइपर हो जाते हैं, ऑलरेडी फीवर के पेशेंट है, वो इतना हाइपर हो गया था कि हमको कुछ हो तो नहीं गया, कोरोना हो तो नहीं गया। आप जरा फासला रखो, ये आप जरा फासला रखो, ये पूछते हुए आते हैं। हाँ, तो अभी हम उनके ट्रीटमेंट करें या नहीं करें? नहीं नहीं, बिल्कुल ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, बराबर है। हाँ, अभी रहा सवाल ये बॉडी का, ये जो अपने आपस वाले लोग हैं, मैं उनको समझा रहा हूँ। हाँ, जो प्रैक्टिकल लैंग्वेज में अपन समझा सकते हैं, एज अ मेडिकल फील्ड में समझा सकते हैं। हाँ, मैं उनको पूरी डिटेल्स दे चुका हूँ, भाई से भी पूछ लो। अब ये जिम्मेदार है, जैसे ना अब इनसे आना, आप इनको समझा सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। आपको सब समझा दिया, एक मिनट में जगह गर्दी मत जमा कीजिए, मैंने आपको सब समझा चुका हूँ। अभी मैं दूसरी चीज बोल रहा हूँ, अगर कोरोना वायरस इतना हैवी है, सब लोग के जहन में इतना हैवी है, राइट, तो जब भी सस्पेक्टेड चीजें जो जगह पे हो रही है, जैसे म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल है, सब जगह पे हो रही है, तो उसके आजू बाजू भी तो आवाम रहती रहेगी ना। हाँ, तो वो आवामों को नहीं इफेक्ट हो रहा है? हाँ, लेकिन वो लोग रोड पे नहीं ला के रखते हैं? नहीं, तो ये रोड नहीं है, ये रास्ते पे, नहीं ये रोड नहीं है, ये एज पर द एग्रीमेंट या हॉस्पिटल का पूरा प्रीमाइस है। मगर आप बॉडी ऐसा नहीं रखते? नहीं, पर गेट के अंदर है सर, गेट के अंदर है। ये ऐसे ऐसे कहाँ है बॉडी? किधर है? आप मेरी बात सुनिए, आपको मैं एक चीज बता दूँ, आपको मैं एक चीज बता दूँ, एज पर द एग्रीमेंट और एज पर द नॉर्म्स, ये इतना जो प्रीमाइसिस है यहाँ पे, हम यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं हम उनको यहाँ बिठाते, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इनको रस्ते पे बिठाते, ये हम हमारे हॉस्पिटल में बिठाते हैं। क्या ये जो दो गेट लगे हुए हैं, ये हॉस्पिटल के गेट है, इसके अंदर कोई बाइक लाके कोई ये आप नहीं करते। ये आप जिंदा लोगों के लिए बिठाते हैं? तो जिंदा लोगों के लिए जो मुर्दा जो है ना, इसे रास्ते पे नहीं रखा जा सकता। आपके पास कोई मोर्चरी होगा, कोई केबिन होगा? सुनिए मेरी बात, आपको मैं बता दूं, बॉडी अंदर ही थी, जब भी उनको डीसी दिया गया तब जाके वो बाहर लिया गया, क्योंकि एम्बुलेंस आ रही थी, बराबर है, एम्बुलेंस आ रही है, आ रही है, आ रही है, तो अभी तक आ रही है। हाँ, तो इसमें हमारी गलती है। मैं आपकी मुश्किल समझ गया, मैं भाई को समझाऊंगा। अब खाली सुनिए, एक बॉडी कौसा में अभी कल रात से दानिश अपार्टमेंट में पड़ी हुई है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है, घर में फूल रही है, उसके घर वाले परेशान हैं, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। आप समझिए कि कोरोना जो है ना हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन रहा है। अगर आप जैसे समझदार लोग जो है ना आगे बढ़ेंगे तो हम इस मसले को हल कर सकते हैं। एक तो हमारे पास में पार्शलिटी इधर पे सामने खड़ी हुई है, और दूसरे आज अगर हम भाईचारे के साथ में अकलमंदी के साथ काम नहीं करेंगे तो ये मसला बढ़ता चला जाएगा। इनसे अगर कोई गलती भी है तो दरगुजर करके मसले का हल करने के लिए आप लोगों को आगे आना। अब ये मैडम भी हैं, देखिए ये भी जो है ना, ये समाज में जो है ना प्रतिष्ठित जानी जाती हैं, ये चाहेंगे, और भी लोग हैं,
हालात ऐसे हैं, देखिए इन्होंने भी जो है ना बेहतर सोचा कि हॉस्पिटल में अगर वो पॉजिटिव होगा तो हॉस्पिटल, लेकिन खतरा ये है कि बाहर से अगर वो वायरल होगा तो मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक मिनट, एक मिनट, हाँ बोलिए। जफरुल्ला भाई, 2 बजे से हम लोग यहाँ पे बॉडी देख रहे हैं, ये लोग उनके पूरे यूनिफॉर्म पहन के आके उनके ऊपर प्लास्टिक लगा रहे हैं, उसके बाद में प्लास्टिक फिर निकाल रहे हैं, फिर चद्दर बदली कर रहे हैं, फिर व्हाइट में उसको रैप कर रहे हैं, ये सब हम लोग विंडो में से देख रहे हैं। जब हम लोग ने सोचा चलो भाई कोई बेचारा गुजर गया है तो चलो कोई आएगा आएगा, अभी थाने वाले आएंगे, कोई भी एम्बुलेंस में लेके जाएंगे, इंतजार कर करके मगरिब से पहले हम लोग नीचे उतरे। हमने इनको क्या बोले, आप बॉडी को अपने प्रेमाइसिस में रख लो, आप अपने प्रमाइसिस में रख लो। तो हमारे साथ में ये लोग बच्चे लोग को बोलते हैं आप पुलिस स्टेशन जा सकते, नहीं नहीं बहरहाल तो अब मसला हल हो रहा है। एक मिनट स्पेस रखिए, आप लोग फासला रखिए, पूरा बाहर उसका है ना कपड़ा बदली किया गया है, बाहर कपड़ा बदली किया गया है। एक मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ। अरे उन लोग को भी चैन थोड़ी है, वो कितने रोज एक एक घंटे में एक एक बॉडी लेके जा रहे और रात से काम पे ही लगे हुए है, समझो बॉडी रात से पड़ी है ना। हाँ रात से पड़ी है। हाँ बस करूँ, आला अफसरान का गली मोहल्लों में दौरा, सीनियर इंस्पेक्टर कन्हैया थोरात के साथ मुतासिरा इलाकों का जायजा लेने के लिए थाने कमिश्नरेट से आला अफसरान ने मुमरा के सरजमीन पर अपनी जायजा। जी जैन सर, जैन सर जी जी सर, क्या क्या मतलब था सर आज आप सर्वे के लिए आए हैं? सर्वे हम तो हमारे माननीय पुलिस आयुक्त के साथ और जॉइंट चीफ साहब जी, इन्होंने हमको एक आदेश निकाला है जी कि जो कंटेनमेंट जोन है जी उसको विजिट करके जी उसका स्टडी करके जी उसमें कुछ लैकुना है जी, कुछ लॉजिस्टिक कुछ कर सकते हैं जी हम, तो हमारी ये कोशिश है जी हम वो रिपोर्ट सबमिट करके जी उसके ऊपर हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी जी वो निर्णय लेंगे, इसलिए हम विजिट कर रहे हैं जी। और ये हमको 8-10 दिन का टास्क दिया हुआ है जी, तो अभी हम चालू किया जी जी। आपको प्रतिसाद मिल रहा है यहाँ पे लोगों की जानिब से पुलिस डिपार्टमेंट को? हाँ हाँ, अभी आपने भी देखा होगा कि थोड़ा सा आपने कंट्रोल किया, लोग बाहर है बाकी तो सब घर के अंदर है जी जी जी। और वो जो भी लोग है कोई मेडिकल के लिए बाहर निकला है जी, कोई सब्जी के लिए निकला है, लेकिन ये ऐसी तादाद बहुत कम है जी जी जी। ओके थैंक यू वेरी मच सर जी। थाने कमिश्नरेट से कमिश्नर फंसालकर के आदेश पर इलाके कंटेनमेंट इलाके का जायजा लेने के लिए निकले हैं रीजन दीपक देवराज। उन्होंने शहर का जायजा लिया और तमाम हालात से आगाही हासिल की ताकि मज़ीद इलाके को सिक्योर किया जा सके।